फटाफट से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद काम तो होते ही रहेगा। जीरा राइस में मुझे तो जीरा ही नहीं दिख रहा है। तो मेरा यहाँ खाना बन के तैयार हो गया है, चलिए फटाफट से अभी स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुभी सिंपली लाइफ। दिस इज सुभी। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। आज की वीडियो में एक किचन ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जो कि बहुत यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बनाती हूँ होम से रिलेटेड वीडियो जो बिल्कुल आपके घर से रिलेट करता हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों, ये एक अमूल्य का डब्बा था जो कि पहले एक बार मैंने DIY करी थी। इसको मैं फिर से अलग पैटर्न में, जो कि बहुत इजी है, बनाऊंगी। तो पहले हम ना क्या करेंगे, क्ले को मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्ले का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास क्ले नहीं है तो आप वॉल पुट्टी भी ले सकते हो। वॉल पुट्टी का डो बना के आपको इस तरह से इसको रेडी कर लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर टेलकम पाउडर लिया है थोड़ा सा, और हम लोग अभी इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है कि बड़ा सा पतला सा इसको बेल के कोई भी शेप में इसको काट सकते हो। तो मैंने यहाँ पर राउंड वाला शेप ले रही हूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे जो मेरे पास कैप वगैरह थे ना, तो वही सबको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो पैटर्न आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने यहाँ पर राउंड ही रखा है और थोड़ा कुछ कुछ मैंने यहाँ पर स्क्वायर भी रखा है। तो इस तरह से मैं सबको यहाँ चिपका दूँगी पहले तो। और चिपकाने के लिए मैंने ऐसे नॉर्मल ग्लू ही यूज़ किया है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फेविकोल का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पूरा जितना भी मैंने काटा था ना, सब में सबको यहाँ पर इस तरह से लगा दूँगी पहले तो। तो दोस्तों, मेरा ना थोड़ा हेल्थ डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से मेरा वॉइस थोड़ा सा अलग सुनाई दे रहा है। तो पहले यहाँ पर मैंने कुछ और पैटर्न सोचा था, उसके बाद मुझे थोड़ा सा ये पसंद नहीं आ रहा था जो मैंने स्क्वायर शेप में काटा था ना उसको। तो फिर से उसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तो मेरा यहाँ ये बोलना है कि अगर आप कुछ बना रहे हो ना, तो पहले से सोच के रखिए, तो आपको ईजी पड़ेगी। जैसे कि मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ी यहाँ पर, पहले ही मैं अगर राउंड शेप में काटी रहती तो मुझे दोबारा नहीं करना पड़ता। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने ज़्यादा तो नहीं चिपकाया है, कम ही लगाया है। तो उसके बाद में इस तरह से उसको पूरा में मैंने चिपका दिया है। और उसके बाद में जो छोटे छोटे जो कैप लिए थे ना, उसी से मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन बना दे रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बोला है, डिज़ाइन अगर आपको अपने हिसाब से भी रख सकते हो। जस्ट मैंने बहुत ही सिंपली रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह का जो मैंने क्या बोलते हैं इसको, स्केच पेन का जो कलर कैप है ना, उसी से अंदर में इस तरह से पैटर्न बना दिया है, जो कि अभी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। जब कलर हो जाएगा उसके बाद बहुत ही अच्छे से दिखेगा। तो दोस्तों, ये सूखने के लिए मैंने थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया था इसको। और क्ले क्या है ना, बहुत जल्दी मतलब ड्राई हो जाता है। तो ये ड्राई हो गई है, मुश्किल से मेरा शायद आधा घंटा आसपास लगा होगा ड्राई होने में। उसके बाद मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं यहाँ पे कलर कर दूँगी। तो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ना, पहले मैंने DIY जो किया था, दूसरा कलर ही था ये। तो पहले एक फुट इसको लगाना पड़ेगा, उसके बाद में दोबारा इसमें करूँगी ये सूखने के बाद ही। तो दोस्तों, हमारा माइंड कभी कभी बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब हम लोग खुद से कोई चीज़ बनाते हैं या बना के पहले से रखे रहते हैं ना, तो वो सब चीज़ों को हम लोग ज़्यादा ही प्यार से रखते हैं। सिंपल भाषा में मैं समझाऊँ आपको, तो उसके साथ अलग ही एक फीलिंग्स जुड़े रहता है। और खुद से बनाए हुआ चीज़ों को अपने घर या किचन में रखना, अलग ही एक फीलिंग आती है। मतलब जैसे कि उसको देख के आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है कि चलिए मैंने खुद बनाया है। और वो सब चीज़ों को आप बहुत ही केयरफुली रखते भी है, तो अच्छा लगता है इस तरह से कुछ कुछ घर में बना के रखने। अगर आपको टाइम मिलता है तो ज़रूर से ये सब बना के रखिए। इससे क्या होगा ना, आपका जो माइंड है ना, वो भी थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि आप कोई ना कोई चीज़ों में बिजी रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। खाली दिमाग जैसे बोलते हैं ना, शैतान के घर, तो वो सब चीज़ों बेकार के बातों से उलझने से अच्छा है कि आप अपना जो टाइम मिलता है आपको कोई ऐसे चीज़ों में आप मतलब लगाइए उनको। ऐसा नहीं है कि आपको DIY ही
बनाना है। चाहे आप पढ़ाई कीजिए, चाहे जो भी करिए, लेकिन माइंड को आप कहीं और लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो जैसे माइंड में हमारा नेगेटिविटी आता है ना थॉट, वो नहीं आएंगे। तो आप बहुत सारी चीज़ों से इस तरह से बच सकते हो। तो दोस्तों, मैं अभी फ़िलहाल तो वाइट ही रखूँगी। इसका कलर बाद में अगर कभी चेंज करने का मूड हुआ तो मैं बाद में इसको चेंज कर लूँगी, अभी के लिए मैं वाइट ही रखूँगी। तो दोस्तों, इसका जो डिज़ाइन है, कलर है, वो पूरे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा चाहिए, तो कौन सा डिज़ाइन चाहिए, कौन सा पैटर्न में चाहिए, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आप किस तरह से बना सकते हो। तो दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मेरे साथ कनेक्ट हो, तो ज़्यादा सोचिए मत, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप और मैं मिल के अपना आइडिया शेयर करेंगे कमेंट्स के थ्रू, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं इंतज़ार करूँगी आपका कमेंट्स का, और प्यारा सा कमेंट्स दीजिएगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ नया और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। ओके फ्रेंड्स, तब तक आप अपने ख्याल रखिएगा एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।